Welcome back, students. So today we will discuss about fuels from chapter number 5, coal and petroleum. Clear, beta? So first of all, let's see what is a fuel. Fuel हम किस चीज को fuel बोलेंगे? So a substance that can be used to produce energy. beta, कोई भी substance when we are going to use it for producing energy. At a reasonable cost, that is called as fuel. Clear? अब ऐसा होता क्या भाई ऐसे substances में कैसे substances को हम potential fuels के form में use कर सकते हैं या energy produce करने के तो बेटा इन substances में क्या होता है potential energy present होती है that is locked within the chemical bonds of their chemical constituent molecules means ये जो भी कंटेंट्स इनके होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके ठीक है उनके केमिकल बॉन्ड्स में बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉक्ड होती है प्रेजेंट होती है ठीक है बात करें हम फ्यूल्स की तो जितने भी फ्यूल्स होते हैं बेटा इनमें क्या है कार्बन प्रेजेंट होता है चाहे वो फ्री स्टेट में हो या फिर कंबाइन स्टेट में बट कार्बन is found in all the common fuels. Clear? Next thing about fossil fuels. Fossil fuels beta fuels that naturally formed from the dead remains of living organisms. Beta jo living organisms ke dead remains se natural process se form hote hain. We call them as fossil fuels. Got it? For example, coal, petroleum, natural gas. And let's talk about sun. But as sun gas, sun is the ultimate source of energy for us, for living things. Clear? And it also provide एनर्जी टू फॉसिल फ्यूल्स भाई फॉसिल फ्यूल्स में एनर्जी जो होती है वो सन से ही कहें हम तो मेनली सन से ही डिराइव होती है क्लियर रहेगा नेक्स्ट बेटा एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वी विल डिस्कस अबाउट कोल इन अवर नेक्स्ट क्लास फ्यूल के बारे में बात करेंगे मैंने कहा था सो टूडे वी विल टॉक अबाउट कोल अ फॉसिल फ्यूल क्लियर सो Let's see, coal hota kya bhai? So, a black hard fossil fuel bhai, ek black color ka hard like stone and it is a fossil fuel formed by the gradual decay and compression of buried remains of ancient forest. Beta, hum keh sakte hain ki jo pehle se ya purane jo forest hain, jo living organisms hain, jo ki सॉयल में दब चुके हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है एक ग्रेजुअल डीके कंप्रेशन होता है मीन्स ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे वो डीके होते हैं रॉटन होते हैं ठीक है एंड बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ दैट बरीड रिमेन्स ऑफ एंशियंट फॉरेस्ट वी ऑब्टेन कोल क्लियर अब ऐसा क्या होता है भाई जैसे कि डिकम्पोजिशन होता है कंप्रेशन होता है सो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ जो अर्थ के अंदर सॉयल के नीचे क्या है भाई टेम्परेचर हाई है हाई प्रेशर है दैट्स व्हाई दीज डेड बरीड और डेड रिमेन्स ऑफ एंशियंट फॉरेस्ट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल क्लियर एंड वी कॉल इट एज कार्बनाइजेशन हम उसे क्या बोलते हैं कार्बनाइजेशन क्लियर एंड बेटा वन मोर थिंग कार्बनिफेरस एज क्या होगी द पीरियड ड्यूरिंग मीन्स ये जो कोल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कब तक चल रहा है जब तक चल रहा है वो ड्यूरेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं कार्बनिफेरस एज क्लियर सो About coal, you can see it mainly consists of carbon, hydrogen, oxygen and small amounts of nitrogen and sulfur. बेटा ये क्या होता है
कोल जो है, कोल में मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर के भी कुछ कंटेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेनली हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, थ्री टाइप्स ऑफ कोल्स, थ्री वराइटीज ऑफ कोल्स आर विद अस। फर्स्ट वन इज एंथ्रासाइट, इट इज़ द बेस्ट वराइटी ऑफ कोल एज इट कंटेन्स 96% ऑफ कार्बन। बिट्यूमिनस कोल, इट हैविंग 65% ऑफ कार्बन एंड लिग्नाइट हैविंग 38% ऑफ कार्बन। क्लियर बेटा? सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेन्स देर आर थ्री वराइटीज ऑफ कोल विद अस, गॉट इट? एंड वॉट विल हैपन वेन कोल इज बींग हीटेड? भाई कोल को जब हम हीट करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, हम हीट उसे प्रोवाइड करेंगे एंड जब उस वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेगा देन इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो भाई हीट करने के बाद जब कोल बर्न करेगा तो मेनली इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, गॉट इट? भाई आप लोग कहेंगे कोल यहाँ पे लिखा है, यहाँ कार्बन क्यों लिखा है? तो बेटा जो कार्बन है ये क्या है? कोल है, ठीक है? मेनली हम कहें जैसा हमने आपको बताया ना कि अब इसमें देखिए एंथ्रासाइट में क्या 96% कार्बन है, क्लियर? सो इसका जो मोस्ट पोर्शन है दैट इज कार्बन, गॉट इट? नेक्स्ट, हाउ वी यूज इट एंड लिटिल बिट मोर थिंग्स अबाउट कोल, दैट इज इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। बेटा इसको हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के बेस पे यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, मेनली बेटा जो इसका यूज़ होता है वो थर्मल पावर स्टेशंस में होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में होता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर? एंड अगर हम बात करें कि कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है तो इंडिया की बात हम करते हैं बेटा, मेनली इट इज़ फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट कोल एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या पढ़ेंगे भाई? कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो नाउ कम टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। होता क्या है भाई ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? सो वी विल हीट कोल स्ट्रांगली टू 1000 डिग्री सेल्सियस। बेटा हम लोग कोल को क्या करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक स्ट्रांगली हीट करते हैं। वाई? टू ऑब्टेन वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा जो हमको कोल से मिलते हैं। तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इन्हें? बाई द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, क्लियर? एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज दैट वी विल ऑब्टेन बाई द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कोक। पहली चीज कोक है भाई। कोक मीन्स होता क्या है, क्या है ये? सो बेटा ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल वॉट एवर द रेजिड्यू दैट लेफ्ट आफ्टर, क्लियर? जो भी रेजिड्यू बच जाता है बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल दैट इज कॉल्ड एज कोक। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज़ अ गुड फ्यूल एज इट बर्न्स विथ नो स्मोक, क्लियर? एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू गेट मेटल्स। बेटा इसका यूज होता है मेटल ऑक्साइड्स के रिडक्शन में टू ऑब्टेन मेटल्स, क्लियर? नेक्स्ट वन इज कोल गैस। कोल गैस की बात करें सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। एंड कोल गैस बेटा पहले की यूज होती थी एज डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग बट नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग इट, क्लियर? नेक्स्ट थिंग कोल तार। कोल तार इज इट इज़ अ थिक विस्कस लिक्विड। भाई ये थिक विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है? दैट इज़ यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। मेनली इसका यूज़ होता है भाई रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ये बेटा इसमें कई सारे कार्बन कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर?
एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, सिंथेटिक फाइबर्स, नैप्लिन बॉल्स, पेंट्स एक्सेट्रा. क्यों भाई इसका यूज़ तो हमने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने में कर लिए. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसमें कई सारे कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग अमोनियम कंपाउंड्स. बेटा अमोनियम कंपाउंड्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज बीइंग कैरीड आउट दीज कंपाउंड्स आर गिवन ऑफ. क्लियर? मीन्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा कोल का, ठीक है, जब भी हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो अमोनियम कंपाउंड्स हैज बीन गिवन ऑफ. एंड व्हाट विल हैपन टू दीज अमोनियम कंपाउंड्स? भाई इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? सो इफ यू आर गोइंग टू डिजॉल्व इट इन वाटर, हम इसको यदि वाटर में डिजॉल्व करते हैं भाई, तो हमें क्या मिलता है? वी ऑब्टेन अमोनियम लिक्वर. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. क्लियर बेटा? इसका यूज होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स भी बनाने के लिए. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास. एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अनदर फॉसिल फ्यूल दैट इज पेट्रोलियम. सो दिस इज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.